खेती और किसानी भारत का सबसे बड़ा व्यवसाय रहा है, जिसके लिए यह पूरी दुनिया में जाना जाता था। किसान गांव में रहकर मौसम के हालातों से संघर्ष करके भी जीवन पर काबू पा लेते थे, लेकिन ब्रिटिश काल से किसानों के हालात बिगड़ने लगे। धीरे धीरे खेती घाटे का सौदा बनने लगा। आज़ादी के बाद से कई सरकारें बदली, किसानों को लेकर राजनीति भी हुई, लेकिन किसानों के हालात नहीं सुधरे। 1990 के बाद से प्रतिवर्ष 10,000 से अधिक किसानों के आत्महत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई। 1995 से अब तक लगभग 29,06,438 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। हाल ही में 2015 के जनवरी से मार्च के बीच में 200 से अधिक किसानों ने आत्महत्या कर ली। ऐसे ही आत्महत्या कर चुके एक किसान का बेटा जो लिख रहा है प्रधानमंत्री जी को अपने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात करने का मन नहीं हो रहा था, आज बोझ अनुभव कर रहा हूं, कुछ व्यथित सा मन है। पिछले महीने जब बात कर रहा था आपसे, ओले गिरने की खबरें, बेमौसमी बरसात, किसानों की तबाही, अभी कुछ दिन पहले बिहार में अचानक तेज हवा चली, काफी लोग मारे गए, काफी कुछ नुकसान हुआ, और शनिवार को भयंकर भूकंप ने पूरे विश्व को हिला दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं रेडियो पर आपके मन की बात सुनता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप हम युवाओं के बारे में भी बात करते हैं। मैं अपने मन की बात आपको लिख रहा हूँ, शायद ये मेरे जैसे लाखों युवाओं और बच्चों के मन की भी बात। चतन, क्या कर रहा है? रोहित, आवाज़ अंदर आ जा, कुछ सवाल पूछने आया था। ठीक है, मुझे आकर मैं तेरे को बता दूंगा। अरे तू लिख क्या रहा है? मैं अपने मन की बात प्रधानमंत्री जी को लिख रहा हूँ। अच्छा, ये देख, आज जंतर मंतर पे एक किसान ने आत्महत्या कर ली। अरे यह तो हर जगह टीवी पे दिखाया जा रहा है। शायद मेरे बापू की खबर भी ऐसी छपी होगी। तेरे बापू नहीं, बता सकता है क्या हुआ था? क्या करेगा जान के? अच्छा ठीक है। राम राम मास्टर जी। राम राम ननकू, क्या हाल है? बस आप लोगों की दुआ है। और सब खेती बाड़ी का क्या हाल है? बस इस साल तो देखिए चल ही रही है, अभी तक ठीक है, आगे देखते हैं। सोच रहा हूँ शहर में ही कहीं ठीक ठाक नौकरी ढूंढ लूँ। अच्छा, भला खेती कर रहे हो, शहर में जाके कहाँ धक्के खाओगे? मास्टर जी क्या बताएं, खेती का क्या हाल है, ये खाद वो खाद, ये कीटनाशक वो कीटनाशक, और मिलता क्या है? कुछ भी नहीं मास्टर जी। अब तो बीज भी बाजार से खरीदना पड़ता है। यहाँ फसल अच्छी हो गई तो सरकार रेट कम कर देती है, और फसल खराब हो गई तो आप जानते ही हो, भुगतना हमें ही पड़ता है। बात तो सही कह रहे हो। पिछले साल बैंक से लोन लिया था तो रेट गिर गए, अब इस साल महाजन से पैसा लेके खेती कर रखी है। अच्छा, वो चैतू कहाँ है? अरे मास्टर जी यहीं कहीं खेल रहा होगा बालकन के साथ। अरे भाई चैतू पढ़ने में बहुत अच्छा है, उस पर ध्यान दो, बहुत अच्छा करेगा वो तुम्हारा लड़का। मास्टर जी पैसा होता तो कहीं अच्छे स्कूल में पढ़ा देते। थोड़ा बहुत खर्चा निकाल लो, तुम्हारे बच्चे को मैं सरकारी स्कूल के बजाय किसी पब्लिक स्कूल में या किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा देता हूँ। अरे बड़ी कृपा होगी मास्टर जी, आप जो ऐसा कर देते हैं तो। नहीं नहीं तुम करो, आता हूँ तो तुमसे मिलता हूँ। ठीक है, राम राम मास्टर जी। राम राम। राम बात
करते ही महाजन का पूरा पैसा चला, ब्याज बढ़ता ही जा रहा है एक के बाद एक। बाकी काम बाद में करते रहना, पहले लड़की की शादी की सोचो। इस बार जो फसल की कटाई से पैसा आएगा ना, वो लड़की की शादी के लिए रख देना। इस साल कहीं ना कहीं लड़की की शादी करनी है। तुम्हें तो वैसे भी लड़की की शादी की कोई चिंता है ही नहीं। तुम्हें ही तो एक चिंता बस, हमें तो कोई चिंता ही नहीं है। अरे लड़का देख तो रहा हूँ उसके लिए, जैसे ही मिलेगा वैसे ही उसकी शादी कर देंगे। बिना दहेज का कोई अच्छा लड़का मिल रहा है क्या? ठीक से रहना, वहाँ बड़े लोगों के बच्चे पढ़ने आते हैं। इतना सब सोचे थे इस साल फसल अच्छी होगी, बेटी का ब्याह करेंगे, लेकिन सब बर्बाद। पेट काट काट कर पैसा जमे किए थे, सोचा था नंदी की शादी में काम आएगा, पर अब तो लगता है कि सर्दी का कपड़ा खरीदने में निकल जाएगा सारा पैसा। मारो देख, तू गुस्सा मत हो, वो पैसे तू मुझे दे दे। इस बार ऐसा करते हैं, महाजन का कर्जा चुका देते हैं। वो पैसा तो मैं नहीं दूंगी, पाई पाई करके थोड़ा पैसा जमा किया है। मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। अरे क्या हुआ रे? मैं उस स्कूल में बिल्कुल ही नहीं पढ़ूंगा। क्या हुआ? वो स्कूल बहुत महंगा है, थोड़ा भी कपड़ा गंदा तो मैडम सबके सामने डांटती है। अरे पागल हो गया है क्या? चल खाना खा। सारा कुछ तो आप जानते ही हैं। तो तू पैसा देने से रहा। मैं तो सोच रहा था थोड़ा पैसा लेके दोबारा खेती शुरू कर। पागल हो गया है क्या? पैसे का पेड़ पे उगते हैं? पहले से तूने इतना कर्जा ले रखा है, और दे दूं? तो तेरी बेटी भी जवान हो गई है, उसकी शादी कहाँ से करेगा? चल मैं कुछ पुण्य भी कर दूंगा और तेरी बेटी के हाथ में पीले करवा दूंगा। चल ऐसा कर, एक दिन के लिए अपनी बेटी को ले। आज उसका कर्जदार ना होता तो गला दबा देता उसका। अरे क्या हो गया, किसका गला दबा देते? महाजन और कौन, उस कमीने की नजर नंदी पर खराब हो गई है। गला दबा देता था मैं उसका। अब तो तुम यहाँ नहीं दिखोगी। क्यों? तुम्हें पता नहीं, तुम्हारा बापू तुम्हारे लिए लड़का देख रहा है, तुम्हारी शादी के लिए। क्या? मैं शादी नहीं करूंगी। तुम इधर जा रही थी? पता है मुझे। पागल हो गया है क्या? पैसे का पेड़ पे उगते हैं? पहले से तूने इतना कर्जा ले रखा है, और दे दूं? तो तेरी बेटी भी जवान हो गई है, उसकी शादी कहाँ से करेगा? चल मैं कुछ पुण्य भी कर दूंगा और तेरी बेटी के हाथ में पीने करवा दूंगा। चल ऐसा कर, एक दिन के लिए अपनी बेटी को। तो तेरी बेटी भी जवान हो गई है, उसकी शादी कहाँ से करेगा? भी कर दूंगा और तेरी बेटी के हाथ में पीने करवा दूंगा। चल ऐसा कर, एक दिन के लिए। Thank you.
पारो पारो। अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ बताओ तो सही। जीने का कोई नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं नकारा। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे बताओ ना हुआ क्या? अरे क्या कर लिया तुमने? अरे उठो, क्या हो गया तुमको? अरे चैतू जल्दी आ, अरे जल्दी आ, अरे क्या हो रहा है? जा बैठी को बुला के ला, चैतू जल्दी जा। अरे मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मैं बुजदिल नहीं हूँ, मरना नहीं चाहता। अरे नहीं नहीं कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें मैं, अरे कुछ नहीं होगा तुम्हें। अरे देखो गया ना डॉक्टर को लेने के लिए, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। नंदी के पापू क्या कर लिया तुमने? अरे कुछ नहीं होगा तुम्हें, अरे जल्दी आ नंदी। कुछ नहीं होगा तुमको, उठो। उठो बापू, ये क्या कर लिया तुमने? देख क्या कर लिया तेरे बापू ने, क्या कर लिया बापू? उठो, क्या उसके बाद तुम लोगों ने खेती छोड़ दी? नहीं नंदी, हिम्मत मत हारो, तुम लोग फिर से खेती शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ दूंगा। क्या फायदा, पापू को खेती करके क्या मिला? तुम हमारा साथ दो, मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ कि भविष्य में कोई भी किसान आत्महत्या न करे। वो कैसे? हम खेती को नई तरीके से करेंगे। फिर मैं अपने मामा के साथ दिल्ली आ गया और मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ उनकी चाय के दुकान पर काम करता हूँ। ये प्रधानमंत्री जी को क्या लिख रहे हैं? अपने मन की बात प्रधानमंत्री जी को। जंतर मंतर पर एक किसान ने आत्महत्या कर ली, उसकी चर्चा चारों तरफ हुई। ऐसे कितने किसान दूर दराज के गांव में आत्महत्या कर लेते हैं, उनके भी बच्चों के मन में बहुत सारी बातें होती हैं। मैं उन सब की तरफ से मन की बात लिख रहा हूं। दिन रात धूप पसीने में काम करके जो किसान उगाते हैं वो शहरों में आता है, शहर के लोग भी उसे महंगे दाम पे खरीदते हैं। इसके बावजूद किसानों को इतनी भी कीमत नहीं मिलती कि वे अपने मेहनत और खेती का खर्चा निकाल सकें। एक चाय बनाने वाला भी खुद फैसला करता है कि उसकी चाय कितने की बिकेगी, लेकिन खून पसीना बहाकर अनाज उगाने वाले किसान को किसी भी कीमत पर बिना उससे पूछे अनाज बेचने को मजबूर किया जाता है। मौसम तो धोखा देता ही है, लेकिन उससे अधिक धोखा ये व्यवस्था देती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप स्मार्ट शहर की बात करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अनाज सब्जी दूध जहाँ से मिलता है, क्या उन गांवों को स्मार्ट नहीं बनाया जाना चाहिए जहाँ छोटे छोटे उद्योग करने की सुविधा हो? किसानों को मुफ्त कर्ज बांटने की जगह किसानों को अनाज और अपना बीज खुद रखने की सुविधा हो, उनके मेहनत और लागत का उचित कीमत मिल सके, ताकि कोई भी किसान आत्महत्या न करे। प्रधानमंत्री जी, हमारे जैसे लाखों बच्चे हैं जो बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं। हम प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा सकते, हम सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, पर हमारे जैसे सैकड़ों बच्चे हैं जो पाँचवीं आठवीं में होने के बाद भी पहले की किताब नहीं पढ़ पाते हैं। प्रधानमंत्री जी, सरकार को अपनी सरकारी तंत्र पर भरोसा हो तो एक छोटा सा काम कर दीजिए, सरकारी कर्मचारियों, सरकारी अध्यापकों और अफसरों के बच्चों को भी सरकारी स्कूलों में पढ़ने की अनिवार्यता बना दीजिए। हमारे जैसे लाखों बच्चों का भी भविष्य सुधर जाएगा उन्हीं के भरोसे। प्यारे प्रधानमंत्री जी, आशा करता हूँ कि आप हमारे मन की बात जरूर सुनेंगे।